मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देशों के बाद राजधानी भोपाल में लगातार अवैध कॉलोनी और भूमाफियाओं के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई चल रही है। इसी क्रम में बुधवार को हुजूर व्रत की तहसीलदार गीतांजलि शर्मा सूखी सेवनिया उमकार गांव पहुंची, जहां उन्होंने अपनी विभागीय टीम के साथ मिलकर अवैध कॉलोनी पर कार्रवाई की। उन्होंने बताया कि आगे भी अवैध कॉलोनी पर कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। अवैध कॉलोनी के संबंध में हो रही कार्यवाही के तहत आज सेवनिया ओंकारा ग्राम में 10 एकड़ भूमि पर सेंट जूड कॉलोनाइजर्स के द्वारा बनाई जा रही अवैध कॉलोनी एवं मांगीलाल सोनी पिता शैतान सिंह के द्वारा 4 एकड़ की भूमि, जिनकी दोनों भूमियों की टोटल कीमत लगभग 16 करोड़ रुपए है, उस पर अवैध रूप से जो कॉलोनी काटी जा रही थी उस पर आज कार्रवाई की गई है, जिसमें उनके द्वारा जो प्लॉटिंग की गई थी और प्लॉटिंग के जो चिन्ह लगाए गए थे उसको हटाया गया है और सड़क को मौके से हटाया गया है ताकि वो आगे इस पर आगे कार्यवाही ना कर सके। भोपाल से EMS TV के लिए वीडियो जर्नलिस्ट देवेंद्र माली के साथ हेमंत माली की रिपोर्ट।